प्रबंध के कार्य या यूं कहें हम प्रबंध प्रक्रिया के रूप में जिन्हें हम प्रबंध के तत्व भी कहते हैं प्रायः उपक्रम के उद्देश्य निर्धारित किए जाने के उपरांत उन्हें प्राप्त करने हेतु हमें एक कार्य योजना तैयार करनी पड़ती है तथा उस कार्य योजना के अनुरूप जो है हमें नीतियों का भी निर्धारण करना होता है। इसके पश्चात कुछ संगठनात्मक कार्य होते हैं और संगठनात्मक कार्यों के पश्चात हमें नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को भी अपनाना पड़ता है। तत्पश्चात कर्मचारियों की नियुक्ति करने के पश्चात उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें दिशा निर्देशन प्रदान करना भी सम्मिलित होता है। तत्पश्चात उन्हीं कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को भी प्राप्त करना हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है। ये सभी तत्व जो हैं प्रबंध के कार्य के रूप में जाने जाते हैं। हम विस्तार के साथ इन्हीं कार्यों का आगे अध्ययन करते हैं। यहाँ हम ये देख रहे हैं प्रबंध की प्रक्रिया अथवा प्रबंध के कार्य। जैसे कि स्लाइड में आप देख रहे हैं प्रबंध के जो कार्य हैं वो सर्वप्रथम नियोजन, तत्पश्चात संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, अभिप्रेरणा, संप्रेषण, नियंत्रण और समन्वय। आइए पहले प्रबंध के कार्यों के बारे में जानते हैं कि एलन का कथन है प्रबंध वही है जो प्रबंध का कार्य करता है। प्रबंध किसी कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कार्यात्मक दृष्टिकोण की ओर इंगित करता है तथा प्रबंध के मुख्य कार्यों के महत्व को बतलाता है। इस परिभाषा के अनुसार हमने देखा कि प्रबंध वही है जो प्रबंध का कार्य करता है। प्रबंध के कार्य क्रमशः होते हैं अर्थात वे एक के बाद एक संपन्न किए जाते हैं। किसी भी उपक्रम की स्थापना उद्देश्य के अनुरूप किए जाने के उपरांत सर्वप्रथम जो कार्य होता है वो होता है कार्य योजना का। तत्पश्चात नीतियों का निर्धारण करने का भी कार्य किया जाता है। नीतियों के निर्धारण के पश्चात हम नीतियों के अनुसार संगठन की हमें किस प्रकार की आवश्यकता है, किस प्रकार के संगठन की आवश्यकता है, हम उस संगठन की एक रूपरेखा का निर्धारण करते हैं। तत्पश्चात रूपरेखा का निर्धारण करने के उपरांत हम संगठन के अनुरूप नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। नियुक्तिकरण जो है कार्य के अनुरूप योग्य व्यक्तियों का चुनाव करना, चयन करना कहलाता है। तत्पश्चात चयनित कर्मचारियों को निर्देशन के माध्यम से हम उन्हें लक्ष्य प्राप्ति हेतु अभिप्रेरित करते हैं। कर्मचारियों को निर्देशित करने के पश्चात हम उन पर नियंत्रण रखने के लिए, आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए विभिन्न नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया को भी अपनाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि एक उपक्रम में सर्वप्रथम हम नियोजन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, तत्पश्चात एक संगठन का एक ढांचा तैयार करते हैं और ढांचे के अनुरूप हम कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति करने के उपरांत हम उन्हें निर्देशित करते हैं, साथ ही कर्मचारी बेहतर से बेहतर कार्य कर सकें इसके लिए हम उन्हें अभिप्रेरित करते हैं। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, संप्रेषण। संप्रेषण जो है वो दो व्यक्तियों के बीच में परस्पर विचारों का आदान प्रदान, ये भी बहुत जरूरी है कि जो भी आदेश दिशा निर्देश ऊपर से दिए जाते हैं वो बाकायदा नीचे तक संप्रेषित हो, नीचे तक उस बात का अर्थ पहुँचे। और इसी के साथ उन कर्मचारियों पर नियंत्रण भी रखना, कार्य जो है वो लक्ष्य के अनुरूप हो इसके लिए नियंत्रण की प्रक्रिया को अपनाना। तत्पश्चात समन्वय, समस्त कर्मचारियों के बीच में, समस्त विभागों के बीच में आपसी तालमेल को बनाए रखना समन्वय कहलाता है। अब हम यहाँ पर क्रमशः एक एक प्रबंध प्रक्रिया के जो पर्टिकुलर कार्य हैं या प्रक्रिया है उनका हम अध्ययन करते हैं। प्रथम कार्य हम यहाँ पर नियोजन, जिसको हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग शब्द जो है सामान्य तौर पर हम इसको बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। इसका मूल अर्थ है किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी पूर्ण सुनियोजित योजना को तैयार करना। नियोजन वास्तव में प्रबंध का प्रथम कार्य है और ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है। हम कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं इसके बीच की दूरी नियोजन के माध्यम से ही पूरी होती है। एक बात यहाँ पर मुख्य रूप से कही जाती है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। भविष्य जैसा कि हम जानते हैं अनिश्चित है,
लेकिन भविष्य में हमें क्या करना है इसकी यदि हम बेहतर प्लानिंग करते हैं तो निश्चित रूप से जो भविष्य में हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नियोजन इस बात पर विचार करता है कि इस समय हम कहाँ हैं और भविष्य में हमें कहाँ पहुँचना है। जब वह लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में सोचता है तो भविष्य में आने वाली परेशानियों का भी उसे आभास हो जाता है। इस प्रकार से नियोजन प्रक्रिया में उपक्रम के लक्ष्य निर्धारण, उन्हें प्राप्त करने के लिए स्पष्ट नीतियों का निर्धारण करना, नीतियों से संबंधित नियमों, व्यूहरचना एवं कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। तभी उपक्रम में उन नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करके हम लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव होता है। तो ये प्रथम कार्य जो है प्लानिंग का, नियोजन का। द्वितीय कार्य हम देखते हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन जो है ऑर्गेनाइजेशन, कच्चा माल, पूंजी, कर्मचारी, श्रमिक, मशीन, इन सबको जब हम एकत्रित करके इन सबसे संयुक्त रूप से कार्य कराते हैं तो ये एक संगठन का रूप ले लेते हैं। तो हम जैसा जानते हैं एक अच्छे संगठक द्वारा उत्पादन के समस्त साधनों को जोड़कर उनका कुशलतम उपयोग करना ही एक बेहतर संगठक का कार्य होता है। यहाँ हम देखते हैं कि संगठक जो है योजना व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावकारी मशीन प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला कार्य है उसका क्रियाओं का निर्धारण करना। उपक्रम के लक्ष्यों के अनुरूप जो भी हमने क्रियाएं तय की हैं, जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को सबसे पहले हमें निर्धारित करना, तत्पश्चात जो कार्य हैं उनको हमें विभिन्न विभागों में वर्गीकृत करना, तत्पश्चात विभाग बनाने के उपरांत जो है उन विभागों के उप विभागों को भी वर्गीकृत करना। उदाहरण के लिए जैसा कि मैं कहूँ कि यदि विक्रय विभाग है या क्रय विभाग है या उत्पादन विभाग है, तो इस प्रकार से अलग अलग विभागों को हमें बांटना, तत्पश्चात उन विभागों में भी उप विभागों को बनाना, उसके पश्चात विभाग और उप विभाग के जो भी प्रमुख अधिकारी हैं उनको कार्य के साथ उनके अधिकार एवं दायित्वों को हमें सौंपना है। तत्पश्चात संगठन में अधिकार व दायित्व जब साथ साथ हम सौंप देते हैं तब उन विभागों और उप विभागों के बीच में कार्य को लेकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, दिक्कत ना हो, इसके लिए हम उन विभागों के बीच में समन्वय बनाकर रखते हैं, आपसी तालमेल बनाकर रखते हैं। ये दूसरा कार्य जो है संगठन का कार्य कहलाता है। क्रम में स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण जो है संगठन ढांचे के अनुरूप हमने जो पद सृजित किए हैं एक उपक्रम में, जो संगठन का हमने ढांचा तैयार किया है, उस ढांचे के अनुसार कर्मचारियों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति करना। तो जिस प्रकार से सृजित विभिन्न पदों पर योग्य, अनुभवी, भरोसेमंद कर्मचारियों की नियुक्ति करना। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को अपनाने के लिए सबसे पहले तो हम मानव शक्ति नियोजन का अनुमान लगाते हैं कि कितनी मात्रा में हमें श्रमिकों की, कर्मचारियों की या अन्य साधनों की आवश्यकता है। तत्पश्चात उस आवश्यकता के अनुरूप जो है हम नियोजन करने के उपरांत कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। प्रारंभ में नियुक्तिकरण की प्रक्रिया जो है प्रबंध का सामान्य अंग थी, किंतु वैश्वीकरण के इस दौर में, जब आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता है, वैश्वीकरण के दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तब ये प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। इसके अंतर्गत जो है हम सब सर्वप्रथम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कि हमें उपक्रम के अंतर्गत कितनी मानव शक्ति की आवश्यकता है, किस प्रकार के पदों की आवश्यकता है, उसका हम अनुमान लगाते हैं। तत्पश्चात अनुमान उपरांत हम उन व्यक्तियों को चयनित करते हैं, उनको नियुक्ति देकर उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, साथ ही जिन कर्मचारियों को हमने भर्ती किया है उनके कार्य मूल्य के आधार पर हम उनका वेतन तय करते हैं और समय समय पर उन कर्मचारियों के कार्यों का हम मूल्यांकन भी करते हैं, उन्हें अभिप्रेरित करते हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर कार्य कर सकें। इस प्रकार से नियुक्तिकरण का जो कार्य है वो प्रबंध का एक प्रशासनिक लेवल का कार्य है, जो कि प्रबंध के जो स्तर हैं जिसमें प्रथम और द्वितीय स्तर जो है उनके द्वारा ये नियुक्तिकरण का कार्य किया जाता है।